दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों के आसपास ही रहना चाहता है, लेकिन ये गोरैया की तरह अपना घोंसला मकानों में ना बनाकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बनाता है और वहीं पर ये पक्षी अपने बच्चे निकालता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि कौवा इंसानों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। कभी ये किसी बच्चे की रोटी का टुकड़ा छीन कर ले जाता था, तो कभी आपकी कोई खाने की चीज चुरा कर ले जाता था। आप कितना भी इसको भगाते पर ये भागकर दोबारा आ जाता था। अगर इसने किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा हो तो उस पेड़ के आसपास भी आपको भटकने नहीं देता था, और अगर आप गलती से उधर आ गए तो ये आपके सर पर जोरदार हमला कर देता था। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके आसपास रहने वाला ये पक्षी आजकल बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, और अगर आप शहर में रहते हैं तो वहां तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। आखिर ऐसा क्यों है? तो दरअसल इसके पीछे इसकी विलुप्तता है। ये पक्षी विलुप्त होता जा रहा है। कौवा विलुप्त क्यों होता जा रहा है? दरअसल कौवे की विलुप्तता के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है ऊंचे पेड़ों का न रहना। कौवा अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर बनाता है, वो भी उस स्थान पर जहां पर घर भी मौजूद हो। लेकिन अब बस्तियों के आसपास के ऊंचे पेड़ काट लिए जाते हैं और इसीलिए कौवे बस्तियों के आसपास दिखाई नहीं पड़ते। दोस्तों, कौवे के विलुप्तता के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है कीटनाशकों का प्रयोग। दरअसल किसान आज के समय में फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। उससे कीट तो मर जाते हैं, लेकिन उन मरे हुए कीटों को कौवे खा लेते हैं, जिससे उस इलाके के कौवों की भी मौत हो जाती है। इसके अलावा तीसरा कारण हमारे मोबाइल और टीवी टावर्स हैं। दरअसल इन टावर्स से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं, उसका सबसे बुरा प्रभाव पक्षियों पर पड़ता है, और जिससे कौवे भी इसके संपर्क में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। हर साल हजारों कौवों की मौत इन्हीं टावर्स की वजह से हो जाती है। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा कारण है शहरीकरण। दरअसल कौवा किसी बस्ती या गांव के किनारे खड़े पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाता है, लेकिन आजकल जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने के कारण बस्तियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, और इससे कौवों को काफी डिस्टरबेंस होता है और वे कहीं दूर चले जाते हैं। और अंत में पांचवा सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। दरअसल हर 20 साल में हर एक स्थान पर जलवायु परिवर्तन होने लगता है, और जिस प्रकार की जलवायु की आदत वहां रह रहे पशु पक्षियों को होती है, उनकी इस आदत में जलवायु परिवर्तन से खलल पड़ता है और इससे उनमें बीमारियां आने लगती हैं, और जो बाद में उनकी मौत का कारण बनती है। तो दोस्तों, यही सब कारण हैं जिनकी वजह से आज हमें कौवा विलुप्तता के कगार पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।